और कितनी दूर है आपकी बस्ती? वो सामने है, वो करीब आ गए हम तो। आप बैठे ना, आप थक गए ना, बैठे ना। बस जी, बस्ती क्या है, गरीबी का एक कारखाना है। हर रोज किसी ना किसी घर में कोई ना कोई गरीब पैदा होता रहता है। अब तो यही बस्ती मेरी जन्नत है। आप तो खुद किसी जन्नत की हूर हैं, किसी शहजादे लायक थी आप। ऐसे सुल्तानों और शहजादों से क्या हासिल जिनमें वफा ही ना हो। और हाँ, एक बात और आपको बता दें, जब हम बस्ती में जाएंगे ना तो बहुत से लोग हमसे जलेंगे, बिल्कुल जलेंगे। वो लोग जो हमेशा मुझे ताने देते थे कि तू इस दुनिया से कवारा ही चला जाएगा, कमारा मर जाएगा तू, आज तो सही जलेंगे वो। आए ना, बस थोड़ा सा तो फासला रह गया। आइए आइए। आराम से आइए। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बता रही थी। जी, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। और कोई बहन भाई? जी नहीं, बस मैं ही हूँ, और कोई नहीं। अब तो जी आप मेरे साथ जा रही हैं, मेरे गांव, मेरे घर। मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगा, इतनी मोहब्बत दूंगा कि आप सारे जमाने के गम भूल जाएंगे। आए ना, आए। सरकार की कैफियत इस बात की आईनादार है कि वो मारुफ के बगैर नहीं जी सकते। हम भी यही सोच रहे हैं। चलो अभी जान को बुला के ला। जी मैं अभी जाती हूँ। दोस्तों, हमें नारों की पेटी सीखनी चाहिए ताकि जब भी इलेक्शन शुरू हो हमारे नए नारे हो, यही हमारे जिलों की ख्वाहिश है, ठीक है ना? और ऐसा है कि नारा लगाते हैं, ठीक है ना? को पेश बंदियों को हमारे बराबर खड़ा करता है। अबूजान, दरवाजा खोल दीजिए। ये पंछी कभी हमारे पिंजरे में रह ही नहीं सकता। इसकी आवाज का कब तो महसूस कीजिए। जिगर भर जाए इसके बाकी से, इसका नहीं तो हमारा। पूजा, दरवाजा खोल दीजिए। लाल
आजाद हो। ये जीलू के साथ कौन है? जीलू आ गया मैदान में, आ गया मैदान में बेटा जी, किसी कहानी में कैद तू ये परी कहां से चुरा लाया? बाबा बाबा ये मारुख है, एक सुल्तान की कैद से छुड़ा के लाया हूं इसको। मारुख ये मेरे बाबा है। आदाब। जीती रहो बेटी, खुदा तुम्हें सदा सलामत रखे। बेटे हमारे घर में चांद उतर आया है। आप बैठिए ना मारुख, आप बैठिए। बाबा ये मारुख अब तेरी बहू बनेगी। बाबा मुद्दतों के बाद इस घर में किसी औरत की आवाज गूंजेगी। मुद्दतों के बाद ये घर घर लगेगा बाबा। ये घर एक जन्नत का टुकड़ा लगेगा बाबा। हाँ बेटा हाँ, कब से ये दीवारें एक औरत की आवाज को तरस गई थी बेटा। हाँ देखो देखो, जीरू दुल्हन लेकर आया है, मेरी बहू लेकर आया है। अरे माशाल्लाह जीलू, ये तो किस अमीरजादी को भगा कर ले आया? नहीं नहीं जीलू ऐसे काम कभी नहीं करता। ये तो है ना वो बड़ी हवेली की मालकन। हाँ हाँ, उन्होंने मुझे बख्शी है ये। अल्लाह मालकन का इकबाल सदा बुलंद रखे बेटा। क्या खूबसूरत मोती बख्शा है तुझे हवेली की मालकन ने। वो ये मेरे बाबा है ना, ये उस बस्ती के सबसे सियाने किस्सा गो है। अब किस्सा गोई कहाँ रही, लोगों के पास अजदाद की कहानियां सुनने का वक्त ही कहाँ है। इसलिए तो हमें कभी सूत काटने पड़ता है तो कभी जलसे में जाना पड़ता है। मारुख ये सब मेरे शागिर्द हैं। आपके शागिर्द? हाँ। लेकिन इनके हाथों में तो मैं तख्ती है ना किताबें। ये वो शागिर्द नहीं है, ये तो मेरे नारों के शागिर्द हैं। मैं इनको नारे सिखाता हूँ। और मारुख यही नारे हमारी रोजी रोटी है। वो हाँ, रोटी से याद आया, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। आप बैठो। सुल्तान सागर, हमारे दिल पर तो कयामत से गुजर रही है रक्षी। सरकार बेहतर होगा आप अपने हर सवाल का जवाब मालकिन से पूछिए।
मर्म कहाँ है? हम इसे माफी के तालिब हैं, हम इसे रूठी हुई हर रित के तरह मना लेंगे। यहाँ की तो हर रित बदल चुकी है सरकार, हर मौसम बदल गया सरकार, आप क्या बदले? यहाँ की तो कोसी कजाई बदल गई। क्या मतलब, हम कुछ समझे नहीं? सरकार, मालकिन ने मारुख को इसी अजनबी के साथ मंसूब कर दिया। कब की रुख्सत हो चुकी है? नहीं नहीं, ये झूठ है। हम तो वापस आ गए हैं अपने मारुख के लिए। अब तो मारुख खुद अपनी भी नहीं रही सरकार, भला आपकी कैसे हो सकती? वो इस वक्त कहां होगी? वो कहां होगी इस वक्त मुझे उससे मिलना है? सरकार, बेहतर यही है कि आप अपने हर सवाल का जवाब सुल्ताना सरकार से ही पूछें। मैं वक्त के हर धारे को बदलने का आजम करके आया हूं अम्मीजान। मारुख के बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे माजरत कर लूंगा। अब माजरत का वक्त नहीं रहा। नहीं, ये झूठ है, एक संगीन मजाक है। आपके इस फैसले ने मेरी मोहब्बत को मेरी ही बेवफाई की दीवार में चुनवा दिया। आप मां नहीं, मसनद इक्तदार पे बैठा हुआ अकबर आजम। होश में रहो सुल्तान, तुम एक बेहसियत कमीज के लिए अपनी मां से किस लहजे में बात कर रहे हो? नहीं, वो कोई हैसियत नहीं थी, वो तो सिर्फ मेरी मारुख थी। आपने मेरे बचपन ही से यही तरीका इख्तियार किए रखा मीजान। मैं जिस भी खिलौने से खेलना चाहता वो आपको पसंद नहीं आता, और आप मुझे अपनी बातों में बहलाकर हमेशा वो खिलौना देती जो हक नीयत का पहलू अपने अंदर लिए होता। और मैं एक नन्हा सा यतीम बच्चा जो हमेशा अपनी बाप की शफकत से महरूम रहा, आपके दिए हुए हर खिलौने से बह जाता। हमेशा आपने फिर वही चाल चली और मैं अपने अंदर सहमे हूं, छुपे हुए यतीम बच्चे को उसी रास्ते पर ले गया। लेकिन अम्मी जान, मारुख खिलौना नहीं थी, वो तो जिंदगी थी, मेरी जिंदगी। आपने मुझसे मेरी मारुख छीन, मैं आपसे आपका सुल्तान छीन लूंगा। मैं दरवाजा बनाया गया हूं मीजान, मैं जा रहा हूं। रुक जा सुल्तान, हम सच्चे थे कि हमें उस फितने से नजात मिल गई है, लेकिन नहीं, ये सब तो शायद हमारी गलत फहमी साबित हो रही है।